धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, प्रधानमंत्री ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। इस सरकार ने संकल्प लिया, 2022 आजादी के 75 साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। माँ गंगा की सफाई के लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।